हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ पांच बोले आउट डिजाइन की कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके 3D एलिवेशन से। ये हम आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत 3D एलिवेशन डिजाइन किए गए हैं। ये प्लाट हमारे पास कॉर्नर प्लाट है। फ्रंट पर जो हम पर रोड दिए गए वो 18 फीट, जबकि साइड पर हमारे पास 13 फीट का रोड दिया गया है। 10 फीट का हमारे पास मेन डोर और बाकी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर प्लान से। ये हमारे पास इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान दिए गए। जो हमारे पास विड्थ दी गई वो है 25 फीट, जबकि लेंथ हमारे पास इसकी 50 फीट दी गई है। बेडरूम बाथरूम से स्टार्ट करते हैं। तो बाथरूम के जो हमारे डायमेंशन दिए गए वो है 7 फीट बाय 4 फीट 6 इंच, 7 फीट इसकी लंबाई, जबकि 4 फीट 6 इंच इसके हमारे पास चौड़ाई दी गई। 3 फीट की वेंटिलेशन। बेडरूम की जो हमारा डायमेंशन है वो 11 फीट 5 बाय 13 फीट 11 फीट 5 इंच इसकी चौड़ाई, जबकि 13 फीट इसके हमारे पास लंबाई दी गई। यहाँ पर 3 फीट का डोर, बैक साइड पर ओपन एरिया दी गई। ओपन एरिया की जो हमारा डायमेंशन दी गई है वो है 8 फीट बाय 4 फीट 6 इंच, 8 फीट इसकी लंबाई, जबकि 4 फीट 6 इंच इसके हमारे पास चौड़ाई दी गई है। बेडरूम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो बेडरूम नंबर 2 की डायमेंशन सेम बेडरूम नंबर 1 की तरह दी गई है। बैक साइड पर अटैच बाथ दी गई। बाथ की जो हम पर डायमेंशन है वो 7 फीट बाय 4 फीट 6 इंच, 7 फीट इसकी लंबाई, जबकि 4 फुट 6 इंच इसकी हमारे पास चौड़ाई दी गई है। 4 फीट के डोर दिए गए हैं। स्टेयर को टीवी लॉन के अंदर ही डिजाइन किया गया। यहाँ से आप होकर ऊपर की तरफ चली जाती है। टीवी लॉन की जो हम पर डायमेंशन है वो है 16 फीट 7 इंच बाय 12 फीट 16 फीट 7 इंच इसकी लंबाई, जबकि 12 फीट इसके हमारे पास चौड़ाई दी गई है। टीवी लॉन के साथ किचन, किचन की जो हमारे डायमेंशन है वो 6 फीट 6 इंच बाय 12 फीट 6 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई, जबकि 12 फीट इसके हमारे पास लंबाई दी गई है। 4 फीट की विंडो और साथ में डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम की जो हमारे डायमेंशन दी गई वो है 11 फीट बाय 12 फीट 11 फीट इसकी चौड़ाई, जबकि 12 फीट इसके हमारे पास लंबाई दी गई है। डाइनिंग रूम के साथ कारपोर्च है। कारपोर्च की जो हमारे पास डायमेंशन है वो है 11 फीट 9 इंच बाय 18 फीट 9 इंच इसके हमारे पास चौड़ाई, जबकि 18 फुट 9 इंच अभी इसके हमारे पास लंबाई दी गई है। फ्रंट पर 4 फीट का लॉन्ग ओपन एरिया दिया गया है। मेन गेट मामर पास 12 फीट का, साथ में 4 फीट के छोटे सा डोर दिया गया है। तो सेकेंड फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर की जो हमारे पास डायमेंशन दी गई है वो फर्स्ट फ्लोर की जो हमारे पास डायमेंशन सेम ग्राउंड फ्लोर प्लान की तरह दी गई वही 12 फीट 11 फीट 5 बाय 13 फीट वही सेम वही डिज़ाइन किए गए जो कि ग्राउंड फ्लोर पर डिज़ाइन किया गया था। नीचे हमारे पास कार पहुँच दी गई थी। ऊपर हमने टेरेस डिज़ाइन कर ली। टेरेस की जो हमारे पास डायमेंशन है वो 12 फीट 6 बाय 14 फीट 12 फीट इसकी चौड़ाई, जबकि 14 फीट इसके हमारे पास लंबाई दी गई। यहाँ पर हमने खूबसूरत पर बुलेट डिज़ाइन किए जो कि आप 3D व्यू में देख सकते थे। नीचे हमारे पास गेस्ट रूम था, तो ऊपर हमने बेडरूम डिज़ाइन कर लिया। बेडरूम की जो हमारे पास डायमेंशन है वो है 11 फीट बाय 12 फीट 11 फीट इसकी चौड़ाई, जबकि 12 फीट इसके हमारे पास लंबाई दी गई है। टेरेस पर जाने के लिए 4 फीट का डोर और फ्रंट पर 8 फीट की विंडो दी गई है। यहाँ पर हमारा टेरेस डिजाइन किया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। अगर अभी तक